रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार, बहुत जल्द बनने वाली रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि आप बहुत पसंद करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसी तरह ट्राई करेंगे तो आपको पसंद आएगा। चले जी, आपको बताते हैं मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए इसमें। मैंने 2 इंच का टुकड़ा मैंने लिया है अदरक का, ये कट किया हुआ है। इसी तरह मैंने लहसुन को भी कटिंग कर ली है, चॉप नहीं किया। मैंने 3 बड़े थोड़े प्याज थे ये कट कर लिए हैं ताकि मसाला अच्छा बने। 3 मैंने लिए हैं हरी मिर्चें, और ये मैंने 1 प्याली दही की ली है। इसमें हमें चाहिए हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, रेड मिर्च और सूखा धनिया पाउडर, नमक का 1/2 टीस्पून लेना है। थोड़े बड़े साइज के 2 टमाटर लिए थे, उसको भी चॉप कर लिए। मैंने चिकन लिया 1 किलो। चले जी स्टार्ट करते हैं। ऑयल डाल दिया और इसमें हम ये चीज़ें डालेंगे सारी, दिखाइए आपको। लोगों का प्याज नहीं गलता तो थोड़ा मोटे साइज़ का कट करें, ये जल्दी गल जाता है। बारीक बारीक जो होता है, जो अकड़ जाता है, वो नहीं इस तरह नहीं करें, ताकि इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना, ताकि प्याज अकड़े ना। इसी तरह हल्का सा मैंने किया है इसको। तो उसके बाद हम चिकन डाल देते हैं इसमें। तो साथ ही चिकन को 5 मिनट तक ज़रा भूने अच्छी तरह। ये चिकन को थोड़ा मैंने फ्राई किया इसमें, लहसुन अदरक और इसमें प्याज में, और ये अच्छा सा हो गया। तो अब इसमें हमें ये मसाले डाल, फ्लेम पे आप हल्की सी आग पे रख दें चिकन, और ये सारे मसाले जो हैं डाल देंगे, जो टमाटर से डाले हैं मैंने। उसके बाद अगर रखा है प्याज इसके साथ ही गल जाएंगे। मैंने पता नहीं लोगों से सुनती हूँ, हमारा तो प्याज ही नहीं गलता, हमारा तो ये नहीं होता। तो ये अभी देखें कैसा मज़ेदार गल जाएगा। अभी मैं भूनूंगी, जब अभी हो रहा है तो बिल्कुल हल्के फ्लेम पे रखा हुआ था मैंने। तो इसी तरीके से आपने ये रखना है हल्की फ्लेम पे। तो चले जी, अगला मैंने काटे थे इसी तरह आपने किसी छिक्के में डालकर इसको थोड़ा इसी तरह करना है। ये सारे इस तरह बन जाएंगे पीस, बड़े बड़े नहीं डालने इस तरह। अरे इसको अब थोड़ा वॉश करते हैं, इसको साफ करना है। तो ये गल गए हुए हैं, मसाला तैयार हो गया, प्याज आपको दिखाई से। ये बरसात में तो बहुत ही शौक से खाते हैं। इसको ना हल्की आग पे रख दूँगी 5 मिनट के लिए, ढक्कन देते हैं, थोड़े गलते हैं, तो फिर उसके बाद मैं पानी खुश करूँगी। तो फिर अगला उठा कर देख लें, ऑयल निकला है। तो डालने के लिए इसको मैंने थोड़ा सा फैन किया था इनको, और इसके साथ दम लगा देते हैं। क्या बहुत अच्छी चमक आती है दही डालने से, जैसे पालक में भी डालो तो बड़ी अच्छी सी चमक सी आ जाती है। लेमन डाल दें आप, पूरा लेमन, गरम मसाला डाल दें 1/2 टीस्पून डाल दें गरम मसाले की, थोड़ा सा सूखा धनिया भी डाल दिया है ताकि तावे की भी खुशबू आती है। फिर डालो तो हरी मिर्चें भी डाल दी है, मेरी हरी मिर्चें डाल दी मैंने ऐसे ही, फ्रीज किया हुआ था। थोड़ा धनिया भी डाल देते हैं, ठीक
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप देख पाएँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर पसंद आएगा आपको। अल्लाह हाफिज़।